हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं आ जा रही हूँ बाहर ऐसे ही बाइक पर और थोड़ा सा घूमने शूमने चक्कर शक्कर लगाने। वैसे जी टाइम हो रहा था इशा की नमाज़ का, तो हमने कहा नमाज़ पढ़ के और फिर बाहर चलते हैं। तो मैंने जो है नमाज़ पढ़ ली थी, बाइक निकाल ले तो चलते हैं। तो जी आपको दिखा रही हूँ मैं रोड शोड। यहाँ पे जी काफ़ी सर्दी थी, बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि सर्दी है या नहीं। वैसे हमने शॉल तो ले ली थी। तो जी ये रहा मूंगफली वाले भाई, जो कि यहाँ से बाबा कल ही लाए थे मूंगफली और आज मुझे नहीं लेनी थी। तो जी ये है मोबाइल मार्केट, जो कि मैं तो यहाँ आती जाती हूँ बाबा के साथ। तो जी जो न्यू हैं, जिन्होंने अब तक मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि न्यू ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच सके। तो जी यहाँ पर दिखा हमें कीनू वाले भाई। तो जी आपने ठीक सुना, कीनू वाले भाई। भाई ये कीनू वाले भाई जो है ना बहुत तेज़ थे और इनके जो रेट हैं वो आसमानों तक पहुँच रहे थे। तो जी इनको हमने बाय शाय किया, तो आगे चलते हैं। तो जी ये बार्गेनिंग में बहुत आगे होते हैं। तो अभी हम जैतून ले रहे थे तो उनको भी चेक कर रहे थे कि कोई ऐसा वैसा ना दे दें, तो बाबा खुद अपने हाथों से निकाल रहे थे जो जो अच्छे लग रहे थे। सॉरी जी ऐसे वैसे दे दें नहीं, ऐसे वैसे डाल देते हैं ये लोग और सामने वाले को कख का पता भी नहीं रहता। तो खैर बाबा ने लेकर मुझे दे दिए। और सामने था जी ये कबाब वाला, जो कि मुझे आगे जो है ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था कि अच्छा जी। तो यहाँ पर दूसरा कीनू वाला खड़ा था और वो काफ़ी दूर था, तो बाबा वहाँ लेने गए थे। तो जी इनके फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, हमने देखा सामने कबाब वाला है तो हमने ले लिए और इनके फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पर थी जी गिफ्ट शॉप और यहाँ पर बहुत ही अच्छे गिफ्ट शॉप जो है ना गिफ्ट मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें खानी थी जी पकौड़े, मिर्च वाले पकौड़े। तो यहाँ पर जी फ्रेश फ्रेश जो है ना ये ट्राई कर रहे थे और हमने यहाँ से पकोड़े लिए। अच्छा जो ये है ना, ये मतलब के मोबाइल मार्केट की जो गली होती है ये वहीं पर ही खड़े हुए थे, इनसे हमने मिर्च वाले पकोड़े लिए। इसके बहुत टेस्टी होते हैं। तो जी ये फ्रेश फ्रेश फ्राई करके दे देते हैं। और सामने जो थे ना वो समोसे थे। खैर जी मुझे पता नहीं था कि नीचे जो है ना वो इन्होंने कच्चे समोसे भी रखे हुए जो कि फ्राई करने थे, और इसके नीचे जो है ना वो रोटियां भी रखी हुई थी जो पकोड़े के साथ खाते हैं। तो जी पकोड़े शकोड़े ले लिए थे, चलते हैं हम वापस घर की तरफ और घर पे जाके आप लोगों को कबाब दिखाते हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, अच्छे लगे तो यहीं से ही लेंगे। तो जी ये था लुक इनका और टेस्ट करेंगे इसके अच्छे हैं या नहीं। सामने चटनी शटनी भी थी। तो जी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।